नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो क्या होती है वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी फ्रॉम यू टू वी, दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। This linear transformation is said to be 1-1 if for all u1, u2 belongs to capital U u1 not equal to u2 implies t of u1 not equal to t of u2, then this mapping is a 1-1 मैपिंग। दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1-1। दूसरा मेथड क्या है, इफ फॉर ऑल u1 एंड u2 बिलोंग्स टू कैपिटल U, टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2 इंप्लाई u1 इज इक्वल टू u2, then this mapping is a 1-1. This linear transformation is said to be 1-1 linear transformation. अब उसके बाद next definition अपने पास आ जाती है on to linear transformation. तो देखो on to linear transformation क्या है भाई, कि भाई t from U to V कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज ऑन टू, इफ ये ऑन टू कब होगी, इफ फॉर ईच V बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन U बिलोंग्स टू कैपिटल U सच दैट जो T ऑफ U है वो किसके इक्वल आ जाए, स्मॉल V के, देन दिस मैपिंग इज ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है कि भाई वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, देखो टी फ्रॉम यू टू वी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ दिस टी इज 1-1 एंड ऑन टू, देन टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म ठीक है, एंड यू इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल वी, दिस इज एन आइसोमॉर्फिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट एक थ्योरम आ जाती है, थ्योरम करते हैं हम। थ्योरम क्या है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली दे हैव सेम डायमेंशन, दे हैव सेम डायमेंशन। तो देखो इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो कैपिटल यू है वो आइसोमॉर्फिक है कैपिटल वी के, इफ T from U to V कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है आपके पास कि भाई डायमेंशन ऑफ u दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंस u आइसोमॉर्फिक टू v है सो देयर एग्जिस्ट t फ्रॉम u टू v विच इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इफ कैपिटल ए हमने ले लिया u1 u2 अप टू un, दिस इज ए बेसिस ऑफ u, देन डायमेंशन ऑफ u किसके इक्वल हो जाएगी n के। तब हम कंसीडर कर लेते हैं b इज इक्वल टू t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un। अब हम क्या करेंगे, वी क्लेम हम प्रूव करेंगे b इज ए बेसिस ऑफ v, बेसिस है v के लिए। तो बेसिस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड जो स्पेंडिंग बन जाएगी या जनरेटिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, a1 tu1 प्लस में a2 tu2 अप टू an tun, दिस इज इक्वल टू जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेकर चले, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जीरो इसको हम t ऑफ जीरो लिख सकते हैं, जब ये आइसोमॉर्फिक गिवन है तो इसका मतलब 1 1 एंड 1 2 है, तो इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम ये लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2 अप टू un, दिस इज इक्वल टू जीरो, बट जो u1 u2 अप टू un है ये तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो All AI जो होंगे इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो, All AI is equal to जीरो। सो TU1 TU2 अप टू TUn दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम प्रूव करेंगे जनरेटिंग, जनरेटिंग के लिए क्या करते हैं, लेट स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, सिंस टी इज ऑन टू, ऑन टू एट सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन यू बिलोंग्स टू यू सच डेट, हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ यू किसके इक्वल होगा, वी के, टी ऑफ यू। अब यू को तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वन यू वन अप टू बी एन यू एन, ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी। अब इसको सेपरेट करेंगे तो बी वन टी यू वन अप टू बी एन टी यू एन इज इक्वल टू वी, वी तो आर्बिटरी एलिमेंट लिया था, देयर फॉर टी यू वन अप टू टी यू एन दिस इज जनरेटिंग या स्पैनिंग सेट। ठीक है, अच्छा ये जनरेटिंग भी है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो बेसिस फॉर v, hence dimension of v किसके इक्वल होगी, n के, this is required result, so dimension of u किसके इक्वल होगी, this is equal to dimension of v के। अब कन्वर्स प्रूव करते हैं, conversely let कर लेते हैं, let डायमेंशन ऑफ u किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v के। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब इसमें प्रूव करना है सेम डायमेंशन है, सेम ये आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक के लिए हम लेट कर लेते हैं t फ्रॉम u टू v कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट t ऑफ यू आई किसके इक्वल है, वी आई इसके, एंड
u1 u2 अप टू un, ये बेसिस है किसका? बेसिस फॉर u एंड v1 v2 अप टू vn, दिस इज बेसिस फॉर कैपिटल डी। तो देखो, लेट किया कोई भी यू आपने कैपिटल यू से लिया, तो यू को तो आप इसके बेसिस का यू लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। और टी अप्लाई करोगे तो ये a1 tu1 अप टू an tun हो जाएगा, और a1 ये तो v1 है, अप टू an ये क्या आ जाएगा? vn। तो इसका मतलब जो ये टी ऑफ यू है, therefore T of U किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल V में। अब इसको हम क्या प्रूव कर देते हैं, वन वन एंड ऑन टू। वन वन के लिए क्या करते हैं, लेट U एंड U डैश बिलोंग टू कैपिटल U, सच दैट जो T of U है किसके इक्वल है? T of U डैश के। तो T of U, U आपने क्या लिखा हुआ है, A1 U1 A2 U2 अप टू AN UN, और ये लिख देंगे टी ऑफ A1 डैश U1 A2 डैश U2 अप टू AN डैश दिस UN। बट अब इसको क्या लिख सकते हैं, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लिख सकते हैं A1 टी U1 A2 टी U2, दिस इज AN टी UN, A1 डैश टी U1 A2 डैश AN डैश टी UN। अब इसको इस लेफ्ट साइड में लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, a1 - a1 डैश टी ऑफ u1 अप टू an - an डैश दिस इज टी ऑफ un, किसके इक्वल है? 0 पे, ठीक है। अब टी ऑफ un किसके इक्वल है? टी ऑफ u2 टी ऑफ un। ये तो सारे बेसिस के एलिमेंट्स हैं कैपिटल V के, कैपिटल वी के बेसिस के एलिमेंट्स हैं, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास a1 - a1 डैश v1 अप टू an - an डैश दिस इज vn। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो इसका मतलब ai - ai डैश इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ai इज इक्वल टू ai डैश, सो 1। वन वन हो चुका है। अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है, फोर ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, लेट वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। जब वी कैपिटल वी में है, तो वी को हम क्या लिख सकते हैं, b1 v1 b2 v2 bn vn। अब b1 इसको लिख सकते हैं टी ऑफ u1 अप टू bn, दिस इज टी ऑफ un। अब टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लिख सकते हैं b1 u1 b2 u2 अप टू bn un, ठीक है। अब इस अंदर वाले को अगर आपने u कंसीडर कर लिया, इस सारे को u ले लें, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट u बिलोंग टू कैपिटल u, सो दैट आपका टी ऑफ u किसके इक्वल होगा? स्मॉल v के। सो ये ऑन टू बन गया, तो वन वन एंड ऑन टू है, देयरफॉर u इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल वी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या आती है हमारे पास। अब नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी एन डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस है UF, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू FN। ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है भी, ये प्रूव करना है। तो देखो इसको किस टाइप से कर सकते हैं, भाई n डायमेंशनल है U, तो लेट कर लेते हैं u1 u2 अप टू un, दिस बी बेसिस ऑफ u। तो देयरफॉर एनी u बिलोंग्स टू कैपिटल u, u को हम कैसे लिख सकते हैं, a1 u1 अप टू an un, और ये सारे क्या हैं,
AIs जो होंगे, AIs हैं वो किससे होंगे? ऐप से। तो आपने डिफाइन किया एक मैपिंग टी फ्रॉम यू टू एफ एन सच डेट किस टाइप से, टी ऑफ यू किसके को ला जाए, जो कोफिशेंट है ना A1 A2 अप टू AN, इस टाइप से हमने इसको डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये वन वन है और फिर ये ऑन टू है। अगर ऐसा हो गया तो यू आइसोमॉर्फिक किसके होगा, एफ एन के। तो भी वी अगर कोई यू से है तो वी को हम क्या लिख सकते हैं, बी वन यू वन बी टू यू टू अप टू बी एन यू एन। तो अब ए यू प्लस बी वी करें, दिस इज इक्वल टू ए ए वन प्लस बी बी वन, और क्या देगा यू वन अप टू ए ए एन प्लस में बी बी एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यू एन। अब इस पर टी अप्लाई करें हम, टी ऑफ ए यू डी वी दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कोफिशेंट्स आ जाएंगे ए ए वन प्लस बी बी वन, ए ए टू प्लस बी बी टू अप टू ए एन प्लस में बी बी एन। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए ए वन ए ए टू अप टू ए एन प्लस बी बी वन बी बी टू अप टू बी बी एन। तो अब ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए वन ए टू अप टू ए एन प्लस यहाँ से बी कॉमन ले ले तो बी वन बी टू अप टू बी एन। तब ए दिस इज टी ऑफ यू प्लस बी दिस इज टी ऑफ बी, सो टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसको क्या प्रूव करेंगे, दिस इज वन वन। तो वन वन के लिए क्या करोगे, लेट यू एंड वी बिलोंग टू कैपिटल यू सच डैट, हमने टी ऑफ यू को किसके को लिख दिया, टी ऑफ वी के। टी ऑफ यू तो क्या है, ए वन यू वन ए टू यू टू ए एन यू एन, और ये क्या आ जाएगा टी ऑफ बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू अप टू बी एन यू एन। दिस इंप्लाइज दिस इज ए वन कोमा ए टू अप टू ए एन एंड दिस इज इक्वल टू बी वन कोमा बी टू अप टू बी एन। दिस इंप्लाइज ए वन इज इक्वल टू बी वन, ए टू इज इक्वल टू बी टू अप टू ए एन इज इक्वल टू बी एन, हेंस यू इज इक्वल टू वी। तो इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वन वन। अब हम इसको क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू। ऑन टू के लिए देखो कैसे चेक करेंगे, इफ ए वन ए टू अप टू ए एन बिलोंग्स टू एफ एन, कोई आर्बिट्री एलिमेंट लें, देन देयर एग्जिस्ट ए वन यू वन अप टू ए टू यू टू ए एन यू एन, किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल यू में, सच डैट टी ऑफ ए वन यू वन अप टू ए एन यू एन किसके इक्वल आ जाएगा, ए वन कोमा ए टू अप टू ए एन। सो दिस इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वन वन ऑन टू हो गया, ऑन टू भी है वन वन भी है, देयर फॉर यू इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। तो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन करते हैं, टी फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर मैपिंग कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स वन एक्स टू दिस इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू कोमा एक्स वन प्लस एक्स टू। अब इसमें हमें चेक करना है, पहले तो ये इस टाइप से डिफाइंड है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, वन वन, और उसके बाद क्या हो जाएगी ये ऑन टू। तो वन वन ऑन टू दोनों प्रूव करना है इसमें। तो वन वन ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट यू
एंड वी बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। यू कैसे लिया आपने एक्स वन एक्स टू, और वी कैसे ले लिया है वाई वन वाई टू। तो टी ऑफ यू किसके, इस टाइप से हम लेकर चले, लेट टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी के। दिस इंप्लाइज टी ऑफ यू की क्या वैल्यू है, एक्स वन माइनस एक्स टू कोमा एक्स वन प्लस एक्स टू। ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू कोमा वाई वन प्लस में वाई टू। इस टाइप से ये इक्वल आ जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो गया, y1 माइनस y2 के, एंड x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो गया, दिस इज y1 प्लस y2 के। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो x2 से x2 और y2 से y2, 2x1 किसके इक्वल हो गया 2y1 से, तो x1 इज इक्वल टू y1। अब यहाँ पर x1 और y1 जब इक्वल है तो ये y1 प्लस x2 क्या आ गया, y1 प्लस में y2, y1 से y1 कैंसिल, x2 किसके इक्वल आ गया y2 के। सो u इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, u इज इक्वल टू v, तो वन वन मैपिंग होगी। अब हम इसको क्या चेक करेंगे बेस के लिए, अब ऑन टू के लिए वन वन हो चुकी है ये, ऑन टू देखो कैसे होगा। लेट y1 y2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर, ये है कोडोमेन, कोडोमेन से लिया हमने, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। नाउ T इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x1 x2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर, ये है डोमेन, सच दैट T of x1 x2 किसके इक्वल आ जाए, दिस इज y1 y2। अच्छा ये तो था x1 माइनस x2, दिस इज x1 प्लस में x2 किसके इक्वल आ गया y1 कोमा y2 के, ठीक है। तो x1 x2 की वैल्यूज अगर y1 y2 के फॉर्म में आ गई है तब तो ओके हमारी, इनको हमने ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 y1 प्लस में y2। अब आपके पास x1 माइनस, या चलो x2 किसके इक्वल है y2 के, और x1 माइनस x2 किसके इक्वल है y1 के, माइनस करके तो आपका x2 क्या आ जाएगा, दिस इज 1 बाय 2 y2 माइनस y1। तो x1 और x2 की वैल्यूज किसकी फॉर्म में आ गई है, y1 y2 की फॉर्म में, सो दिस इज ऑन टू आल्सो, ऑन टू है देयरफॉर बाय चेक, ठीक है। अब देखो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव किसे बोलते हैं, वन वन को, और सर्जेक्टिव किसे बोलेंगे, सर्जेक्टिव होता है ऑन टू का दूसरा नाम, और बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है दिस इज वन वन एंड ऑन टू, ये सारे डेफिनेशन। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन गिवन है, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री किसके इक्वल गिवन है, एक्स वन माइनस एक्स टू कोमा एक्स टू माइनस एक्स थ्री, ये आ गया भाई। अब चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं है, वन वन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, पहले वन वन के लिए देखो हमने लेट कर लिया टू थ्री फोर और थ्री फोर फाइव, ये किसमें है आर क्यूब में, तो टी ऑफ टू थ्री फोर किसके इक्वल आएगा, दिस इज टू माइनस थ्री माइनस वन, और दिस इज आल्सो माइनस वन, और टी ऑफ 3, 4, 5
थ्री फोर फाइव क्या आएगा, ये भी आ जाएगा माइनस वन एंड माइनस वन। तो आपके पास क्या आ गया है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है बट इनकी इमेजेस क्या है, इक्वल है। सो टी इज नॉट वन, ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन मैपिंग बन जाएगी। ठीक है, अब ऑन टू के लिए तो वैसे ही चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं वाई वन वाई टू कहाँ से, सेकंड से, देन टी इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट दिस बिलोंग टू आर क्यू फर्स्ट सच दैट टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री किसके इक्वल है, दिस इज वाई वन वाई टू के। तो अब इनकी वैल्यू जब निकाल लेंगे, ठीक है, जो एक्स वन एक्स टू है और एक्स थ्री, इन सब की वैल्यूज हमारी वाई वन वाई टू के फॉर्म में आ जाएगी। सो ये क्या आ जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। सो दिस मैपिंग इज ऑन टू बट नॉट वन वन, ये। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखो, टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ही हैं, वे टी फ्रॉम आर स्क्वेयर से आर क्यूब तक कोई मैपिंग है, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सच डेट हमें क्या गिवन है, टी ऑफ वन टू की इमेज गिवन है थ्री माइनस वन एंड फाइव, और टी ऑफ जीरो वन की इमेज हमें गिवन है दिस इज टू वन एंड माइनस वन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, कंप्लीटली डिस्क्राइब क्या होगी मैपिंग। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट वी एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट कहाँ से, ये लिए आर स्क्वेयर से ले लिया ये एलिमेंट, हमें इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जब एक्स वन एक्स टू हमने यहाँ से लिया है आर स्क्वेयर से, आर स्क्वेयर की डायमेंशन टू है और ये वन टू, दिस इज नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ जीरो वन, इसका मतलब वन टू इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वन एंड टू क्या है दोनों, और जीरो वन, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आर स्क्वेयर की डायमेंशन टू है, ये टू वेक्टर्स हैं, देयर फोर बेसिस किसका बन जाएगा, बेसिस फॉर आर स्क्वेयर। तो कोई भी इस टाइप से एलिमेंट आर स्क्वेयर से लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटू वन टू प्लस में बी इंटू में जीरो वन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं भी इसको। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू दिस इज ए कॉमा टू ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वन एंड टू ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टू के, तो बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू एक्स वन, तो ये आ चुका है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, भाई एक्स वन कोमा एक्स टू आपने इसको कैसे लिख दिया, दिस इज एक्स वन वन टू प्लस में एक्स टू माइनस टू एक्स वन और अंदर क्या आ गया, जीरो वन। तो टी ऑफ एक्स वन एक्स टू अगर निकालना है आपको तो वो आ जाएगा एक्स वन बार टी ऑफ क्या आएगा, वन टू प्लस में एक्स टू माइनस टू एक्स वन बार आ जाएगा, टी ऑफ क्या आ जाएगा, जीरो वन। तो दिस इज एक्स वन, टी ऑफ वन टू हमें गिवन है पहले से, टी ऑफ वन टू क्या गिवन है, दिस इज थ्री माइनस वन एंड फाइव प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स वन, और टी ऑफ जीरो वन किसके इक्वल है, टू वन एंड माइनस वन। तो अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दिस इज थ्री एक्स वन प्लस में टू एक्स टू माइनस फोर एक्स वन आ गया, कॉमन दूसरा माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स वन, नेक्स्ट आ जाएगा फाइव एक्स वन माइनस के एक्स टू प्लस टू एक्स वन। तो अब देखो ये क्या बन गया, थ्री एक्स वन ये आ जाएगा टू एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन,
और 7x1 माइनस है x2, सो दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से टू में भी कर सकते हैं और हम थ्री वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं, थ्री डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस में। तो एक एक पार्ट और करते हैं, हम देखो हम कैसे। t फ्रॉम f3x से लेकर कहां तक है f3x सच दैट, हमें क्या गिवन है कि भाई t ऑफ 1 प्लस x किसके इक्वल है, दिस इज 1 प्लस x, t ऑफ 2 प्लस x किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 x स्क्वायर, और t ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल है, दिस इज 0, जीरो पे इक्वल है। तो अब एफ थ्री एक्स का मतलब क्या है, एफ थ्री एक्स का मतलब क्या है, थ्री डायमेंशनल। तो उसके लिए लेट करते हैं यू किस में है, एफ थ्री एक्स से एलिमेंट ले लिया तो यू कैसा दिखाई देगा आपको, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस में ए थ्री एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये जो वेक्टर्स हैं 1 प्लस एक्स, ये जो 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स और ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम इनको चेक कर सकते हैं। पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करेंगे, थ्री वेक्टर्स मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे तो कोई भी यू इस टाइप से अगर आप लोगे तो उसको हम इन सब का क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसे लिख दिया। तो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, इसमें क्या आएगा, ए प्लस टू बी कॉन्स्टेंट टर्म, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर। जब कंपेयर करेंगे तो ए प्लस टू बी तो हमारा क्या आ जाएगा, ए नोट, और a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, ए वन के, और c किसके इक्वल आएगा, c इज इक्वल टू ए टू, और ए थ्री की वैल्यू तो क्या आई है यहाँ पे, जीरो, ठीक है। तो यहां से अगर सोल्व करके हम लिखें तो देखो c की वैल्यू आपकी आ गई है ए टू। अब a प्लस बी इज इक्वल टू ए वन, अब इनको अगर हम माइनस करें तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज ए नोट माइनस ए वन। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें ए वन माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नोट प्लस ए वन, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू ए वन माइनस ए नोट, ये तीनों वैल्यूज आ गई। तो u को आपने कैसे लिख दिया, a टू ए वन माइनस ए नोट इन टू में क्या है, 1 प्लस एक्स, और ए नोट माइनस ए वन क्या है, इंटू 2 प्लस एक्स, प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए टू के, और इंटू में क्या आ गया, एक्स के। तो टी ऑफ यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 2 ए वन माइनस ए नोट, यहाँ टी ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। अब ए नोट माइनस ए वन, ये टी ऑफ क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स, प्लस ए टू टी ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स के। अब इनकी इमेजेस हमें गिवन है, इनकी इमेजेस क्या गिवन है, 2a1 माइनस a0, t ऑफ 1 प्लस x, देखो t ऑफ 1 प्लस x किसके इक्वल गिवन है, दिस इज 1 प्लस x, प्लस a0 माइनस a1, t ऑफ 2 प्लस x किसके इक्वल है, दिस इज x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस ए टू, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस ए नॉट प्लस टू ए वन, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म बन गई, और ए वन इंटू एक्स हो जाएगा, थ्री इंटू ए नॉट माइनस ए वन इंटू में एक्स स्क्वायर, ये टी ऑफ यू इसकी इमेज आ गई, ये है रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन और आता है जिसमें थ्री हमें गिवन नहीं है, एक टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर कोई मैपिंग गिवन है, और टी ऑफ ट्रिपल वन इसकी इमेज वन वन गिवन है, और टी ऑफ वन माइनस वन वन इसकी इमेज क्या है जीरो वन, दो इमेजेज हमें गिवन है तो तीसरे की गिवन नहीं है तो लेट कर लेते हैं, इवन ई टू ई थ्री में से कोई भी ले सकते हैं, टी ऑफ जीरो जीरो वन ले लिया हमने और उसकी इमेज क्या लेकर चलेंगे जीरो पे, तो अब आपके पास थ्री आ गए वन 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 माइनस वन वन एंड जीरो जीरो वन, इसको हम क्या प्रूव करके दिखा देंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और थ्री वेक्टर्स हैं और आर क्यूब में है तो ये क्या बन जाएंगे बेसिस बन जाएंगे, बेसिस बनने के बाद आपने कोई भी एक्स वाई जेड लिया उसको ए इंटू ट्रिपल वन लिख सकते हैं, बी इंटू वन माइनस वन वन लिख देंगे और सी इंटू जीरो जीरो वन, अब बाकी सारा वही काम है जैसे ए बी सी की वैल्यूज हम निकाल के यहाँ पुट करेंगे फिर टी अप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं देखो, अब टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब मैपिंग है किस टाइप से, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ए एक्स वेयर ए की वैल्यू क्या है वन टू माइनस वन जीरो वन 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 वन, तो इस टाइप से हमें गिवन है ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, जो टी ऑफ एक्स होता है हमारा उसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल है वाई के ठीक है, तो वाई किसके इक्वल हो गया ए एक्स के ठीक है, तो वाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री, अब ए की वैल्यू क्या है वन टू माइनस वन जीरो वन 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 टू, और एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे दिस इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वन प्लस में एक्स थ्री टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में टू एक्स थ्री, अब देखो टी ऑफ एक्स किसके इक्वल था वाई के इक्वल था, वाई क्या आया है एक्स वन प्लस में एक्स थ्री टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में 2x, this is required linear transformation, ठीक है? अब मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें कोई कैपिटल X हमें गिवन आ जाए, भाई कैपिटल X की वैल्यू आपको दे दें 205, तो t of 205 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे x1 की जगह 2 x2 की जगह 0 इसकी जगह 5 इसमें पुट कर देंगे, देखो x1 plus x3 this is 7 2 into 2 4 plus 0 plus 5 minus के 2 plus 0 plus में 10 हो जाएगा तो this is 7 9 and 8 ये आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप से हमें वेक्टर निकालना है जिसकी इमेज क्या है 205 है, तो इस टाइप से हम कैसे करेंगे, पहले तो इसकी इमेज निकालनी थी, अब इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास देखो कैसे, सबसे पहले टी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है वाई के, मतलब टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री किसके इक्वल है दिस इज y1, y2, y3, अब अगर y1, y2, y3 हमें गिवन हो जाए, ये वैल्यू मान लो 205 हमें गिवन है और ये किसके इक्वल होता है tx is equal to ax, तो ये x फाइंड आउट करना है तो x किसके इक्वल हो जाएगा a इनवर्स इनटू y, तो a इनवर्स जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है उससे हम क्या निकालेंगे a इनवर्स और ये y की वैल्यू पुट कर देंगे तो कैपिटल x किया जाएगा, तो इस टाइप से हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।